श्रीमान श्रीपाद नायक जी, डॉक्टर नगेंद्र जी, पूज्य बाबा रामदेव जी, पूज्य आत्मप्रियनंद जी, आदरणीय हंसा जी, सचिव श्रीमान सन्याल जी, और देश भर में और विश्व भर में योग से जुड़े हुए सभी महानुभाव, आज कभी किसी ने सोचा होगा कि राजपथ भी योग पथ बन सकता है? यूएनओ के द्वारा आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आरंभ हो रहा है, लेकिन मैं मानता हूं आज 21 जून से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से न सिर्फ एक दिवस मनाने का प्रारंभ हो रहा है, लेकिन शांति सद्भावना इस ऊंचाइयों को प्राप्त करने के लिए मानव मन को ट्रेनिंग करने के लिए एक नए युग का आरंभ हो रहा है। कभी कभार बहुत सी चीजों के प्रति अज्ञानतावश कभी कुछ विकृतियां आ जाती हैं। सदियों से ये परंपरा चली है, काल क्रम में बहुत सी बातें उसमें जुड़ी हैं। मैं आज ये कहना चाहूंगा कि सदियों से जिन महापुरुषों ने, जिन ऋषियों ने, जिन मुनियों ने, जिन योग गुरुओं ने, जिन योग शिक्षकों ने, जिन योग अभ्यासों ने सदियों से इस परंपरा को निभाया है, आगे बढ़ाया है, उसमें विकास के किन बिंदु जोड़े भी हैं, मैं आज पूरे विश्व के इन ऐसे महानुभावों को आदर पूर्वक नमन करता हूं और मैं उनका गौरव करता हूं। ये शास्त्र किस भूभाग में पैदा हुआ, किस भूभाग तक फैला, मैं समझता हूं मेरे लिए उसका ज्यादा महत्व नहीं है। महत्व इस बात का है कि दुनिया में हर प्रकार की क्रांति हो रही है, विकास की नई नई ऊंचाइयों पर मानव पहुंच रहा है, टेक्नोलॉजी एक प्रकार से मनुष्य जीवन का हिस्सा बन गई है, बाकी सब बढ़ रहा है, बाकी सब तेज गति से बढ़ रहा है, लेकिन कहीं ऐसा तो न हो कि इंसान वहीं का वहीं रह जाए। अगर इंसान वहीं का वहीं रह गया और विश्व में ये सारी व्यवस्थाएं विकसित हो गई, तो ये मिसमैच भी मानव जात के लिए संकट का कारण बन सकता है, और इसलिए आवश्यक है कि मानव का भी आंतरिक विकास होना चाहिए, उत्कर्ष होना चाहिए। आज विश्व के पास योग एक ऐसी विद्या है और जिसमें विश्व के अनेक भूभागों के अनेक रंग वाले लोगों ने, अनेक परंपरा वाले लोगों ने अपना अपना योगदान दिया है। उन सबका योगदान स्वीकार करते हुए अंतर मन को कैसे विकसित किया जाए,
अंतर ऊर्जा को कैसे ताकतवर बनाया जाए, मनुष्य तनाव मुक्त जिंदगी से मुक्त होकर के शांति के मार्ग पर जीवन को कैसे प्रशस्त करें। ज्यादातर लोगों के दिमाग में योग यानी एक प्रकार से अंग मर्दन का कार्यक्रम है। मैं समझता हूं यह सबसे बड़ी गलती है। योग ये अंग उपांग मर्दन का कार्यक्रम नहीं है। अगर यही होता तो सर्कस में काम करने वाले बच्चे योगी कहे जाते हैं। और इसलिए सिर्फ शरीर को कितना हम लचीला बनाते हैं, कितना मोड़ देते हैं, वो योग नहीं है। हमने कभी कभार देखा है संगीत का बड़ा जलसा चलता हो और संगीत के जलसे के प्रारंभ में जो वाद्य बजाने वाले लोग हैं वो अपने अपने तरीके से ठोकपीट करते रहते हैं। कोई तार ठीक करता है, कोई तबला ठीक करता है, कोई ढोल ठीक करता है, 5 मिनट 7 मिनट लगता है और जो दर्शक होते हैं उनको कभी लगता है यार शुरू कब करेंगे। जिस प्रकार से संगीत शुरू होने से पहले ये जो ताल ठोक का कार्यक्रम होता है और बाद में एक सुरीला संगीत निकलता है, ये ताल ठोक वाला कार्यक्रम पूरे संगीत समारोह में बहुत छोटा होता है। ये आसन भी पूरी योग अवस्था में उतना ही उसका हिस्सा है। बाकी तो यात्रा बड़ी लंबी होती है और इसलिए उसी को जानना और पहचानना आवश्यक हुआ है और हम उस दिशा में ले जाने की दिशा में प्रयत्नरत है। मैं आज यूनो का आभार व्यक्त करता हूं, दुनिया के 193 कंट्रीज का आभार व्यक्त करता हूं कि जिन्होंने सर्वसम्मति से इस प्रकार के प्रस्ताव को पारित किया। और मैं उन 177 कंट्रीज का आभार व्यक्त करता हूं कि जिन्होंने कोस्पंस बनकर के योग के महात्मा को स्वीकारा और आज सूरज की पहली किरण जहां से प्रारंभ हुई और 24 घंटे के बाद सूरज की आखिरी किरण जहां पहुंचेगी, सूरज की कोई किरण ऐसी नहीं होगी, सूरज की कोई यात्रा ऐसी नहीं होगी कि जिसे इन योग अभ्यासियों को आशीर्वाद देने का अवसर न मिला हो। पहली बार दुनिया को स्वीकार करना होगा कि आज अब यह सूरज योग अभ्यासियों के यहां से कभी ढलता नहीं है। वो पूरा चक्र जहां सूरज जाएगा वहां योग अभ्यास मौजूद होगा, यह आज दुनिया में पहुंच चुका है। मन बुद्धि शरीर आत्मा ये सभी संतुलित हो, संकलित हो, सहज हो, इस अवस्था को प्राप्त करने में योग की बहुत बड़ी भूमिका होती है। मैं आज इस महान पर्व के प्रारंभ के समय ये सिर्फ और सिर्फ मानव कल्याण का कार्यक्रम है, तनाव मुक्त विश्व का कार्यक्रम है, प्रेम शांति और एकता सद्भावना का संदेश पहुंचाने का कार्यक्रम है और जिसे जीवन में उतारने का कार्यक्रम है, मैं इस कार्यक्रम के लिए हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और आज पूरे हिंदुस्तान में हर गली मोहल्ले में जो योग का माहौल बना है उस माहौल को हम निरंतर आगे बढ़ाएंगे। इसी एक अपेक्षा के साथ आप सबको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधान।